SGPGI हॉस्पिटल में अब रोबोट से ऑपरेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें, आज राजधानी लखनऊ के SGPGI में लाइव रोबोट के ऑपरेशन को दिखाया जा रहा है, जो थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन किया गया है, वो भी सफलतापूर्वक। ऐसे आज 5 ऑपरेशन किए जाएंगे। सुबह से ही ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और देश और विदेश के डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं रोबोट विधि के द्वारा। हमारे सामने आप ये रोबोटिक मशीन देख रहे हैं जिसके द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, और यहाँ पर डॉक्टर जो ऑपरेट इसे करते हैं वो यहाँ से ऑपरेट होती है। इस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ऑपरेट होती है ये मशीन बाहर से। और हमारे साथ यहाँ जो मशीन के एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? शरद। कितनी आसानी हो गई इस मशीन के आने से? जी देखिए, ये मशीन आने से जो है इससे डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और जो पेशेंट के लिए जो आउटकम आता है, जो भी क्लिनिकल आउटकम होता है, जो सर्जरी का रिज़ल्ट आता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। पहली सर्जरी होती है, अभी तक हमने जो सुनी है उसमें क्या होता है कि 3-4 लोग पेशेंट के ऊपर खड़े होते हैं और फिर वो सब सर्जरी करते हैं। एक कैमरा पकड़ता है, एक दो लोग सर्जन दो इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है, और भी इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ने की ज़रूरत होती है तो और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बट रोबोट के ज़रिए क्या होता है कि इसमें एक ही रोबोट ही खड़ा होता है और बाकी सब आराम से बैठे होते हैं, तो सर्जन्स भी अपने कंफर्ट में बैठ के आराम से सर्जरी करता है। उसके लिए भी अगर 4-5 घंटे की सर्जरी है तो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। देख सकते हैं, जैसे मैं इस पे यहाँ मूवमेंट करूँगा तो वहाँ पे आप एक बार दिखा सकते हैं कि वहाँ पे आर्म्स वैसे